बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम व्यूअर्स को टीम पैगाम एसएन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपसे मैं एक और न्यूज़ अपडेट शेयर करने जा रहा हूं, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से है और जो कि 16 एंड अबाव जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसके हवाले से एक नई खबर है। तो वो ये खबर ये है कि एक लेटर सिंध गवर्नमेंट में सर्कुलेट हुआ है, जो कि तमाम डायरेक्टर्स हैं सिंध सिंध के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके डायरेक्टर्स को लेटर लिखा गया है और उसमें उनको मेंशन किया गया है, उसमें उनसे दरख्वास्त की गई है मोस्ट अर्जेंट के तौर पे उसको ट्रीट करके। उनको कहा गया है, डायरेक्शन दी गई हैं कि ग्रेड 16 एंड उससे अबव जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स में उसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपडेट किया जाए, ताकि जो भी ग्रेड 16 एंड अबव वैकेंसीज आ रही हैं, जो वैकेंट पोस्ट फिल हैं, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, वो चाहे एजुकेशनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, या किसी भी लेवल पे हो जिनका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, तो उनकी करंट वैकेंट पोजीशंस और पूरे सिंध लेवल पे उनका स्टेटस, उनके बारे में उनको अपडेट किया जाए, ताकि फर्दर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उन वैकेंसीज को फिल आउट करने के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाए और इस हवाले से कोई मेजर्स लिए जाएं। इसको मोस्ट अर्जेंट के तौर पे तमाम डायरेक्टर्स को भेजा गया है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सेक्शन ऑफिसर की तरफ से, और उसमें उनको कहा गया है कि इसको मोस्ट अर्जेंट ट्रीट किया जाए और जल्द अज जल्द उन वैकेंसीज़ के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में उनको आगाह किया जाए, ताकि उस हवाले से फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट फर्दर पॉलिसी मेकिंग करे और जल्द अज जल्द उनकी फिलिंग के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से राबता करे। तो ये दोस्तों तमाम दोस्तों के लिए एक अहम खुशखबरी है कि मज़ीद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पोस्ट हैं और जो एजुकेशनल लेवल पे पोस्ट हैं वो जल्दी से जल्द फिल आउट होने वाली हैं। इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो लेटर है सर्कुलेट हुआ है और इट मीन्स कि जल्द अज जल्द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से उन वैकेंसीज़ के बारे में लेटरबाजी की जाएगी और उनसे दरख्वास्त की जाएगी वो जल्द अज जल्द उन वैकेंसीज़ के बारे में इम्तिहान लेने का जो है तरीक़ेकार है वो वाजे करें और उन वैकेंसीज़ को नेक्स्ट फिर पब्लिश किया जाएगा। तो इस हवाले से मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपनी तैयारी को सबसे ज़्यादा बढ़ाएं, अपने स्टडी टाइम को ज़्यादा फोकस करें और अपने आप को टाइम दें ताकि आप मेहनत कर सकें और जो मेरिट की इस टाइम पे जो है एक रुझान बढ़ा हुआ है मेरिट का, तो उसको आप लोग फुली अवेल कर सकें और आप मेरिट पे आए, अपने जो काबिलियत है उसके बेसिस पे आप जल्द अज जल्द सिलेक्ट होके अपने मुख्तलिफ ओहदों पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो ये थी न्यूज़ अपडेट। इस हवाले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर लें, ताकि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं एजुकेशनल या जॉब्स के हवाले से कोई भी अपडेट है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और आजकल हमने अपनी वेबसाइट और अपने फेसबुक पेज पे तमाम जो आने वाली जॉब्स हैं पाकिस्तान लेवल पे फेडरल प्रोविंशियल उनके बारे में तमाम तर तफसीलात हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी डेली बेसिस पे अपनी जॉब्स देख सकते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।